हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक कंपाउंड्स और कार्बनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। कार्बनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एग्जांपल ऑफ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यानी कि एएनआर की एग्जांपल हमने देख ली है। एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हमने पांच एडिशन करवाए हैं, ठीक है। किस किस का एडिशन करवाया हमने? फर्स्ट एडिशन हमने करवाया था HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड, और उससे बने थे साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। उसके बाद सेकंड एडिशन करवाया हमने किसका? सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन करवाया हमने, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि यूनिक रिएक्शन भी होती है। फिर थर्ड एडिशन हमने करवाया किसका? थर्ड करवाया था हमने GR का, ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जिनसे कि अल्कोहल बनाए जाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शी, तीन टाइप के अल्कोहल इनसे बनाए जा सकते हैं। और फोर्थ एडिशन हमने कराया था अल्कोहल्स का, अल्कोहल्स का एडिशन कराया था, हेमी एसिटाइल, एसिटाइल, इस तरह के इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं। और फिफ्थ, जो एडिशन के साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ, ठीक है, उसमें अमोनिया, और ये भी एक यूनिक रिएक्शन है। और इसमें भी फिर हाइड्रेजीन और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कराते थे, और हाइड्रेजीन उसके डेरिवेटिव के साथ जब रिएक्शन से प्रोडक्ट जो बनता था उनमें सब में जो जीन वाली टर्म होती थी वो जोन में कन्वर्ट हो जाया करती थी, है ना। और यही एक इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट भी बन के आया था, जो कार्बन ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ठीक है, 2,4-DNT टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजन से टेस्ट किया जाता है, और कार्बन कंपाउंड जो है वो इसके साथ रिएक्शन करके 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्रोजन का येल्लो ऑरेंज PPT देते हैं, जो कि कार्बन ग्रुप को डिटेक्ट करने का एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। एक रिएक्शन इसमें हो रही थी सेमी कार्बोजेनिक के साथ, जिसमें हमने देखा था कि दो NH2 ग्रुप होने के बावजूद भी एक ही NH2 ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया था। इसी हिसाब में हमारे एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वो कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे रिडक्शन रिएक्शन से, ठीक है। तो अब आ रही है हमारी क्या रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन करवाएंगे हम एल्डिहाइड कीटोन्स का, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शंस होंगी, रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन का हम रिडक्शन करवाएंगे, और एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन से हमको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन से अल्कोहल भी बनते हैं, और फिर उन्हीं के मतलब और अगर आप पूरा कंप्लीट रिडक्शन करा दिया जाए तो फिर एल्केन्स तक भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो करवाते हैं, देखो दो तरह से रिडक्शन कराएंगे। एक बार तो हम करवाएंगे क्या रिडक्शन टू अल्कोहल, और एक बार हम करेंगे रिडक्शन टू एल्केन्स, ठीक है। तो दो तरह से रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन रिएक्शंस में हम देख रहे हैं फर्स्ट है ना रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन करवाएंगे, और एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन से अल्कोहल बनते हैं ना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनते थे, ठीक है। तो रिडक्शन से क्या बन जाएंगे? वापस पेरेंट अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। कैसे? देखो रिडक्शन टू अल्कोहल करवाएंगे। देखो सबसे पहले जो बेसिक जो मेन चेंज है रिएक्शन का, पहले रिएक्शन का मेन चेंज देखते हैं क्या है। रिएक्शन का मेन चेंज है ये क्या कि CO है ना, CO जो ग्रुप है, कार्बोनिल जो ग्रुप है, CO ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका रिडक्शन होगा। 2H वाला रिडक्शन है, 2 और ये नेसेंट हाइड्रोजन, 2H वाला ये रिडक्शन है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगा है ना, मतलब 2H लिख सकते हैं या H2 भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके के रिएजेंट यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम किस तरीके ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 2H और H2, देखो अगर निकल प्लेटिनम, अगर H2 ले लें तो H2 लिया जाएगा विद किसके? निकल प्लेटिनम पैलेडियम, निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ क्या H2, आगे सुन में निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ H2 है। और ये ना लें तो फिर क्या ले सकते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड और B2S6 भी लिया जा सकता है, B2S6 भी लिया जा सकता है, आगे समझ में। तो H2 के साथ निकल प्लेटिनम पैलेडियम ये ले सकते हैं, या लिथियम एल्युम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड या डाई बोरेन B2S6 जिसको हम बोलते हैं डाई बोरेन, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब वही बात है ना, क्या इस तरह चीजें पहले भी हुई है। H2 के साथ, H2 के साथ अगर निकल प्लेटिनम पैलेडियम अगर हम ये रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो ये वाला रिडक्शन तो कहलाता है क्या? कैटालिटिक रिडक्शन। क्या कहलाते हैं? कैटालिटिक रिडक्शन। ये तो कहलाता है कैटालिटिक रिडक्शन, जिसमें कैटलिस्ट से H मतलब
हाइड्रोजन जो होती है जो क्या कैटलिस्ट के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है, ये तो कैटलाइटिक रिडक्शन। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोन हाइड्राइड इनसे रिडक्शन करेंगे तो ये रिडक्शन कहलाएगा कौन सा, केमिकल रिडक्शन। ये रिडक्शन क्या है, केमिकल रिडक्शन, ठीक है। तो इनके साथ जो रिडक्शन हो रहा है वो केमिकल रिडक्शन है। केमिकल रिडक्शन, ठीक है। तो अगर H2 के साथ निकल प्लेटिनम पैलेडियम लेते हैं तो ये रिडक्शन तो कहलाता है कैटलाइटिक रिडक्शन। और अगर लिथियम एल्यूम हाइड्राइड NaBH4 या डाइबोरेन अगर ये रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो फिर ये रिडक्शन कहलाता है केमिकल रिडक्शन, ठीक है। तो दो तरह से हो जाएगा, कैटलाइटिकली भी कर सकते हैं और केमिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखो क्या करना है। आओ, तो ये तो रिएजेंट हो गए, ठीक है। तो ये तो रिएजेंट ले लिया हमने, और अब रिएक्शन क्या है, अब रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है वो देख लो। रिएक्शन में चेंज हो रहा है क्या कि जो CO ग्रुप है तो ये जो दो H है, दो H क्या हो जाएंगे, एक एक करके आ जाएंगे। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और एक पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग से, एक पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग से हमको पता है दो वैलेंसी बनेगी, और जो दोनों वैलेंसी है उन पे एक एक पे एक एक एच लग जाएगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच यहां लग जाएगा और एक एच यहां लग जाएंगे, दो एच एक एक करके, दो एच एक एक करके ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। तो दो एच एक एक करके लग चुके, आगे समझ में। और क्या चेंजेस आने वाले हैं, देखो पाई बॉन्ड तो खत्म हो ही चुका है, पाई बॉन्ड पे तो ये लगी है, तो क्या हो जाएगा, चीज क्या बन जाएगी, चीज बन जाएगी सी एच ओ एच, सी एच ओ एच। तो क्या हो गया है ना, कार्बोनिल ग्रुप जो था सीओ ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा किसमें, सी एच ओ एच में, यानी कि सी एच ओ एच क्या है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। तो रिएक्शन का मेन चेंज क्या हुआ, रिएक्शन का मेन चेंज हुआ, अगर मैं मेन चेंज की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं इसको, है ना, मेन चेंज की फॉर्म में इस तरह से हो गया कि CO ग्रुप था और आफ्टर रिडक्शन CO ग्रुप चेंज हो गया किसमें, CO ग्रुप चेंज हो गया CHOH में, CHOH में, ये रिएक्शन का मेन चेंज होता है, ये रिएक्शन का मेन चेंज। तो CO ग्रुप चेंज हो गया CHOH में आफ्टर रिडक्शन, और यहां पे भी हम चाहें तो H2 के साथ Ni और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 ये लिख के और ये रिडक्शन शो कर सकते हैं, आ गया। तो रिएक्शन मेन चेंज, मेन रिएक्शन ये बनी है, मेन चेंज ये हो गया है। और कितनी H टोटल इसमें काम आ रही है, 2H काम आएगी, 2H और 2H आएगी, एक एक करके यहां लग जाएगी, एक H यहां और एक H यहां, आ गया। तो उसी को थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिख दिया अपन ने, यहां तो हमने सारी चीजें बताई थी ढंग से कि कैटलाइटिक रिडक्शन कौन सा होता है, केमिकल रिडक्शन क्या होता है। और अगर आप केवल मेन चेंज के बेसिस पे याद रखना चाहो, मतलब मेन चेंज के हिसाब से आप करें तो CO जो है वो चेंज हो गया किसमें, सी एच ओ एच में, और इनको हम बोलते हैं क्या, एल्कोहल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या लिए जा सकते हैं, ये रिएक्शन में मेन चेंज है तो इसको अपन इस तरह लगा के लिख देते हैं, मेन चेंज क्या है, मेन चेंज, ये रिएक्शन का मेन चेंज रहता है ना। हर केमिकल रिएक्शन को याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका होता है कि अगर हम उसके मेन चेंजेस को याद कर लें, ठीक है, उससे रिएक्शन पे हमारी कमांड भी बनती है और कन्वर्जन में भी हमको बहुत हेल्प इससे मिल जाती है, ठीक है। आओ देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ, देखते हैं किस किस तरीके के यहाँ पे हमको है ना एल्कोहल यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, अगर HCHO लेते हैं हम, ठीक है, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल HCHO HCHO मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है ना। अगर हम क्या ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं, मिथेनल ले रहे हैं, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है। और फिर ये करवाया हमने रिडक्शन H2 के साथ, क्या H2 के साथ निकल, ठीक है, या फिर क्या लिथियम है ना, रिएजेंट को बार बार लिखते रहने से क्या होता है कि रिएजेंट याद हो जाते हैं, या NaBH4, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। और फिर वही बात, दो एच एक एक करके, दो एच क्या करने, एक एक करके भेजने, कैसे कैसे भेजेंगे देखो, एक एच यहां एक एच यहां, दो एच एक एक करके है ना, तो दो एच एक एक करके हमने भेजा, तो ये क्या बन गया देखो, एच सी एच
एच और ओ एच, ये होगा ना। और इसको अगर हम थोड़ा कंडेंस करके लिख दें तो कंडेंस करके कैसे लिखा जा सकता है, कंडेंस करके हम इसको लिख सकते हैं सी एच थ्री ओ एच, यानी क्या बन गया मिथेनॉल, ये हो गया अपना क्या मिथेनॉल, मिथेनॉल आगे समझ में, ये मिथेनॉल हो गया जो कि सिंपलेस्ट एल्कोहल बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, सिंपलेस्ट एल्कोहल, क्या मिल गई हमको सिंपलेस्ट एल्कोहल मिल गया, मिथेनॉल को हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट एल्कोहल आ गया। वैसे तो इनको प्राइमरी की कैटेगरी में रख सकते हैं, मतलब प्राइमरी की कैटेगरी में रख देते हैं तो सिंपलेस्ट एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल बोल सकते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड लेने से क्या बने सिंपलेस्ट एल्कोहल, सेकंड अदर एल्डिहाइड लेने, देखो ये लिया तो हमने सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लिया, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लिया तो मिला सिंपलेस्ट एल्कोहल, ठीक है। अब हम लेते हैं क्या अदर एल्डिहाइड, अब हमने लिए अदर एल्डिहाइड आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, और ये लिया अभी एच टू एरो पे, वो ये सारी चीजें क्या क्या निकल, या तो निकल एच टू साथ निकल प्लेटिन पैलेडियम, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ठीक है ये जो मेन जो ज्यादा कॉमन है उनको लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर वही दो एच एक एक करके आ जाएंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक एच इस पर एक एच इस पर दो एच एक एक करके, और फिर क्या बन जाएगा देखो आर सी एच आर सी एच और ये सी एच ओ एच, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा कंडेंस करेंगे तो फिर कैसे लिखा जा सकेगा आर सी एच टू ओ एच, यानी कौन से एल्कोहल मिल गए हैं प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल मिल गए, ठीक है। वैसे तो ये भी प्राइमरी में कंसीडर किया जाता है ना, तो यहां से ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्कोहल हमको मिल गए, ये हो गया क्या अदर एल्डिहाइड। तो अदर एल्डिहाइड लेने पर अदर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट वाला फॉर्मल्डिहाइड हो गया और अदर देन फॉर्मल्डिहाइड है ना, तो कहने का मतलब है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड लेंगे तो मिल गए क्या प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड से मिथेनॉल मिल रहा है मतलब सिंपलेस्ट एल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल, और अब कीटोन से देखते हैं क्या मिलता है ना। तो कीटोन वाले रिएक्शन अब ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं कीटोन वाले रिएक्शन, लो आओ कीटोन वाले रिएक्शन क्या बनेगा कीटोन से, ये सेकंड हो गया, थर्ड एग्जांपल इसी का है ना, मैं इनको ए बी सी कर देता हूँ है ना, क्योंकि फर्स्ट नंबर यहाँ डाल दिया, ये ए हो गया, ये एग्जांपल ए है, ये बी है और ये सी, ठीक है। तो कीटोन ले लिया अपने आर सी ओ आर, ठीक है ये कीटोन हो गए कीटोन, ठीक है। अब कीटोन का रिडक्शन कराएं, सेम रिएक्शन में कोई चेंज नहीं, रिएक्शन तो कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे वैसे ही, सब कुछ वही है निकल या फिर वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4, ठीक है। और वही दो एच एक एक करके आ जाएंगे, तो दो एच एक एक करके यहां भेजा एक एच, एक एच यहां भेजा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो ही जाएगा, और देखते हैं कौन से एल्कोहल मिल रहे हैं आर सी, ये आर एच ओ एच, कौन से एल्कोहल है सेकेंडरी एल्कोहल, कौन से एल्कोहल नहीं है सेकेंडरी एल्कोहल, यहां से हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो कीटोन से सेकेंडरी मिल रहे हैं। अब देखो फॉर्मल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड्स की बात करें तो एल्डिहाइड से हमको मिले प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, कीटोन से मिले हमको सेकेंडरी एल्कोहल, तो इस मेथड से टर्शियरी एल्कोहल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन डाल देंगे नोट लगा के कि क्या टर्शियरी एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है। तो एक लाइन लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ये लो क्या टर्शियरी एल्कोहल है ना, टर्शियरी एल्कोहल्स, टर्शियरी एल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। इस मेथड से हम टर्शियरी एल्कोहल्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, आगे समझ में, ठीक है। तो टर्शियरी एल्कोहल नहीं बनेंगे, तो ये तो क्या हमारा रिडक्शन का फर्स्ट रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन टू एल्कोहल, और एल्कोहल में भी कौन से मिलेंगे तो अपन साइड में भी लिख देते हैं यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स यहाँ पे से हमको यहाँ से मिलेंगे, टर्शियरी एल्कोहल यहाँ से नहीं मिलेंगे, ठीक है आगे समझ में। एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल मिलेंगे, कीटोन से सेकेंडरी मिलेंगे, टर्शियरी नहीं मिलेंगे। मेन चेंज हमको समझ में आ गया रिएक्शन का कि जो कीटो या जो भी सीओ कार्बोनिल ग्रुप जो है कार्बन ग्रुप है
तो सीओ ग्रुप है दो एच वाला रिडक्शन है, दो एच एक एक करके यहाँ पे आ जाएंगे और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो सी एच ओ एच में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाता है रिडक्शन का फर्स्ट रिडक्शन का एल्कोहल। अब आते हैं सेकंड रिडक्शन में, आओ सेकंड रिडक्शन किसका करवाना है, रिडक्शन टू एल्केन्स, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स भी इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा, अब सेकंड आ रहे हैं रिडक्शन टू सेकंड रिडक्शन टू रिडक्शन टू एल्केन्स, रिडक्शन टू एल्केन्स और ब्रैकेट में आप चाहो तो हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हो, रिडक्शन टू एल्केन्स और हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वैसे हाइड्रोकार्बन में तो फिर एल्कीन एल्काइन सभी आए थे, इसलिए मेन तो क्या एल्केन्स का ही, तो रिडक्शन टू एल्केन्स। ठीक है, तो रिडक्शन टू एल्केन्स, अब एल्केन्स में कन्वर्ट करेंगे यानी कि इनका रिडक्शन होगा और ये एल्केन बन जाएंगे। अब ये एल्केन वाला जो रिडक्शन है वो तीन तरह से हो सकता है, थ्री टाइप से हम इसको करा सकते हैं। कैसे कैसे, फर्स्ट हम कराने किससे, फर्स्ट हम कराने बाई रेड पी, रेड पी प्लस क्या एच आई, रेड पी के साथ क्या लेंगे एच आई लेंगे, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस साथ और एच आई के साथ, तो रेड फॉस्फोरस और एच आई के साथ एल्डिहाइड कीटों को हीट करेंगे 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें एल्केन्स में। ठीक है, अब देखो क्या है रिएक्शन, मेन रिएक्शन क्या है वही बात, पहले रिएक्शन का मेन चेंज देखेंगे CO। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है CO और अब क्या होगा, थोड़ा सा इधर लेते हैं CO CO आ गया HI है ना, अब कितने HI यहां पे ले लेंगे हमको, 4 HI, 4 HI लेंगे रेड पी के साथ, रेड फॉस्फोरस के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या होने वाला है, जो 4 HI के जो 4 H है, 4 HI के जो 4 H है वो 4 H आएंगे दो दो करके, है ना। मोस्टली रिडक्शन रिएक्शन में जनरली ऐसा ही होता है, अगर 2 H है तो वो एक एक करके हो जाती है, 4 H है तो दो दो करके हो जाती है, मतलब वो इक्वली डिवाइड होकर आती है। ठीक है, तो 4 H है तो दो दो करके, दो थी तो एक एक करके आई थी, 4 H दो दो करके, तो 4 H दो दो करके आएगी, है ना, तो कैसे कैसे आएगी, 2 H तो आएगी इस पर, ठीक है, और 2 H आएगी ऑक्सीजन पे। अब जब ऑक्सीजन पे 2 H आ जाएगी तो फिर ये यहां से ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, तब हमको समझ में आ गया कि क्या बनने वाला है, ये क्या बन जाएगा फिर अपने यहां से H2O, है ना, 2H और एक O मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो H2O बन जाएगा और ये जो C के साथ जो दो वैलेंसी यहां फ्री हुई थी उन दोनों वैलेंसी पे 2 H आ जाएंगे, तो ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें, जो CO ग्रुप था, है ना, तो रिएक्शन में मेन चेंज ये CH2, CO जो है आफ्टर रिडक्शन CH2 में चेंज हो जाता है, CO किसमें चेंज हो जाएगा आफ्टर रिडक्शन CH2 में चेंज हो जाएगा, ये मेन चेंज है। आप चाहो तो मेन चेंज को यहां भी लिख सकते हो, है ना, ये मेन चेंज बल्कि सबके लिए लिख देते हैं, तो रिडक्शन टू एल्केन वाले में मेन चेंज क्या रहेगा, CO कन्वर्ट हो गया किसमें, CO कन्वर्ट हो गया है CH2 में, CO आफ्टर रिडक्शन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें CH2 में, ये इस रिएक्शन का मेन चेंज है, ये तो इसका मेन चेंज है रिडक्शन टू एल्केन का, रिडक्शन टू एल्कोहल का भी आप चाहो तो यहां पे दोबारा लिख दो, वैसे तो पहले लिख लिया था हमने, CO चेंज होएगा किसमें आफ्टर रिडक्शन CHOH में, आफ्टर रिडक्शन ये चेंज होएगा CHOH में, है ना, तो ये रिएक्शंस के मेन चेंज है, आ गया समझ में, तो वहां तो एल्कोहल बन रहा है, यहां पे क्या बनेंगे एल्केन्स बनेंगे। ठीक है, तो आओ देखो, तो ये तो बन गया CH2, है ना, ये तो बनेंगे मतलब हमको क्या मिल जाएंगे एल्केन। ठीक है, और ये 2 H और 1 O मिलके बना लेगा क्या H2O, क्या बना लेंगे H2O, और कितने आई हैं आयोडीन, कितने 4 आयोडीन, 4 आयोडीन क्या कर लेंगे 4 आयोडीन 2I2 के फॉर्म में अलग हो जाएंगे 2I2। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन है, आ गया, तो कार्बन कंपाउंड का 4 HI रेड पी 4 HI से रिडक्शन कराया गया, CO ग्रुप जो वो CH2 में चेंज हो जाता है एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो रिएक्शन, ये तो होगी मेन रिएक्शन, ये तो होगी इस रिडक्शन की मेन रिएक्शन, है ना, तो ये तो मेन रिएक्शन है, इसको तो अपन ले लेते हैं बॉक्स में और फिर अब ले लेंगे अपन इसके बाद में एग्जांपल, ये लो इसको तो ले लिया अपन ने बॉक्स में।
ठीक है, ये तो ये हो गया आ गया। अब लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल ले लिया इसमें किसका, मान लीजिए हमने ले लिया CH3CHO या HCHO ले लो आप चाहो तो, पहले सिंपलेस्ट एल्डिहाइड भी ले लो HCHO HCHO है ना HCHO HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड का करवाया हमने 4HI प्लस रेड पी के साथ और 150। अगर आप 150 भी ना लिखो तो सिर्फ क्या हीट का सिंबल लिख दो, डेल्टा लिख दो, सफिशियंट है, वो भी चल जाएगा। तो 4HI के साथ रिडक्शन कराने 2H और 2H 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 इस तरह से आएंगे, ये बॉन्ड ये ब्रेक हो ही रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये देखो CH2 पहले से था 2H और आ गया तो CH4 बन गया, क्या बन गया CH4 मीथेन, CH4 हमको मिल चुका है मीथेन, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट में वही है H2O और क्या 2I, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो हो गया मिथेनल टू मिथेन, अगर हम इसको कन्वर्जन की फॉर्म में बोलें तो मिथेनल टू मिथेन हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसमें सेकंड एग्जांपल लेना चाहते हो तो इथेनल का ले लो, इथेनल ले लो, कीटोन का ले लो, है ना। ये लो ये अपने एल्डिहाइड ले लिया, एक और एग्जांपल CH3CHO ये 4HI, ठीक है। बस अब सब कुछ वही है, बस अब क्या बस ये फ्री वैलेंसी के जो ग्रुप है वो चेंज होने, अब वो कौन सी अल्काइन बन जाएगी वही 4H है तो 2H इस पर और 2H यहां लगाया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। तो CH3 और ये भी क्या बन गया CH3, तो क्या मिल गया हमको ये मिल गई हमको क्या इथेन CH3 इथेन प्लस क्या वाटर प्लस 2I2, ठीक है। तो ये हमको मिल गई क्या इथेनल टू इथेन, ये इथेनल था हमारा एसिड एल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं इथेनल और इथेनल टू इथेन। एक एग्जांपल अपन चाहे तो कीटोन का भी लगा लो, ये लो कीटोन का लगा लो एक एग्जांपल CH3COCH3 एसीटोन का एग्जांपल लगाया है, किसका एग्जांपल लगाया है एसीटोन, ठीक है। CH3COCH3 4HI के साथ रिएक्शन वही रेड पी के साथ हीट करना है, आ रहा है सब में, ठीक है। क्या हो जाएगा सब कुछ वही है 2H वापस वही 2H यहां और 2H यहां और ये बॉन्ड यहां से ये ब्रेक होगा, हो गया ब्रेक, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अब यहां से तो उनका एल्केन मिल रही है, वो मिल रही है क्या प्रोपेन, ठीक है प्रोपेन मिल रही है H2O और 2I2 आ गया, ये हमको मिल रही है प्रोपेन। तो इस तरह से ये हमने कर रहा है रिडक्शन टू एल्केन में फर्स्ट रेड पी और HI साथ, रेड पी HI साथ करवाने से इस तरह से रिएक्शन सही आ गया समझ में। ये एग्जांपल सारे समझ में आ गए, ये एसीटोन था कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम एसीटोन है, एसीटोन भी बोल सकते हैं, प्रोपेनॉन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है एसीटोन या प्रोपेनॉन आ गया। तो प्रोपेनॉन से प्रोपेन, इथेनॉन से इथेन, तो ये छोटे छोटे से कन्वर्जन भी बन गए एक तरह से, और रिडक्शन की रिएक्शन तो खैर ही आ गया। तो ये तो हो गया कौन सा रिडक्शन एल्केन में फर्स्ट बाय रेड पी 4HI रेड पी HI साथ, ठीक है। अब इसी का सेकंड बी, अब बी आते हैं सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में आते हैं क्या देखो, अब सेकंड क्या सेकंड करवाएंगे हम किनसे, सेकंड करा रहे हैं रिडक्शन बाय किससे, रिडक्शन बाय जिंक अमलगम, क्या जिंक अमलगम के साथ, जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, ठीक है जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है तो जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl अपन ले रहे, ठीक है। अब देखो ये किस तरह का रिडक्शन है, जिंक अमलगम, पहले तो जिंक अमलगम, अमलगम बोलते हैं मर्करी ऑफ अलॉय, अलॉय ऑफ मर्करी को हम बोलते हैं अमलगम, अलॉय ऑफ मर्करी मतलब जिंक के साथ HG Zn प्लस HG है ना, जिंक और मर्करी की अलॉय, इसको बोलेंगे जिंक अमलगम, ठीक है। क्यों मिलाते हैं जिंक के साथ अमलगम बना के, अमलगम के फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि है ना मैं आपको बता दूं कि ये केमिकल रिडक्शन होने वाला है, कैसे होगा केमिकल रिएक्शन मैं आपको बताया था किस तरह से रिएक्शन होने वाली है, जिंक की रिएक्शन होगी किससे 2HCl, जिंक के साथ 2HCl है कंसंट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है। तो क्या हो रहा है
ZnCl2, ZnCl2 और क्या बन रहे हैं, दो नेसेंट एच, ZnCl2 बन रहा है और साथ में दो नेसेंट एच बन रहे हैं। ये एच क्या करेंगे, रिडक्शन में काम आएंगे, ये एच फिर रिडक्शन में काम आएगी। तो अब हमको पता ही है कि जब रिडक्शन एच किसी केमिकल रिएक्शन से आती है तो ऐसे रिडक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिडक्शन। तो ये एक तरह का केमिकल रिडक्शन है। अब देखो, अब यहाँ पे रिएक्शन तो जिंक की है, फिर हम HG मतलब अमलगम क्यों यूज कर रहे हैं, तो जिंक के साथ अमलगम की फॉर्म में क्यों यूज कर रहे हैं इसको, जिंक और HG, क्योंकि जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, जिंक भी अच्छी रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उसके साथ मरकरी मिक्स की गई है। मरकरी जो कि थोड़ी सी मतलब मरकरी जो कि लेस रिएक्टिव है या इनर्ट मेटल है, तो एक इनर्ट मेटल को और एक रिएक्टिव मेटल को मिक्स करके उसकी रिएक्टिविटी को मॉडरेट कर दिया जाता है या कंट्रोल कर लिया जाता है। तो रिएक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए हम इसके अमलगम वाली फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अमलगम से यूज, अमलगम के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, वरना तो ये रिएक्शन बहुत वायलेंटली हो जाती है, तो उसकी जो विगरस नेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इसको अमलगम के फॉर्म में काम में लिया है, ठीक है। ये तो ये रिडक्शन केमिकल रिडक्शन बनने जा रहा है, ठीक है। तो कैसे नेसेंट जो रिडक्शन के लिए जो एच जो जनरेट होगी वो इस तरह से इस रिएक्शन से जनरेट होगी, ठीक है, और इसीलिए फिर इस रिडक्शन को केमिकल रिडक्शन भी बोलेंगे। और ये एक साइंटिस्ट के नेम से, ये रिडक्शन एक साइंटिस्ट के नाम से रिडक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, क्लीमेंसन रिडक्शन के नेम से। क्या नेम है, क्लीमेंसन, साइंटिस्ट का नेम है क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन बोलेंगे इसको, क्लीमेंसन रिडक्शन। आ रही है बात समझ में, क्लीमेंसन रिडक्शन साइंटिस्ट के नेम से है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इस नेम से ही ये पूछी जा चुकी है, ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो जिंक अमलगम के साथ कंसेंट्रेटेड एसिटिल रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन है, एक तरह का केमिकल रिडक्शन है। केमिकल रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं समझ में आ गया, क्योंकि रिडक्शन की जो एच है वो किसी केमिकल रिडक्शन से, केमिकल रिएक्शन से जनरेट हो रही है ना। अब देखते हैं रिएक्शन क्या है इसकी, तो रिएक्शन देखें, तो रिएक्शन में तो कुछ इतना स्पेशल नया नहीं है, बस वैसे ही जैसे रेड के एचआई में था सेम वैसे ही है। देखो कार्बन कंपाउंड ले लिया, ठीक है, अब 4H आएंगी, 4H आएगी कहां से, 4H कहां से आएगी, ये जो जिंक अमलगम, जिंक एच जी जेड एन एच जी के साथ क्या लिया है, जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl लिया हमने, ठीक है, 4H यहां से, बस इसी रेशियो को क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4H आ जाएगी, और वो 4H कैसे आएगी, तो 4H वही दो दो करके 2H यहां पर आएगी और 2H यहां आएगी, 2H यहां 2H यहां, और ये बॉन्ड इस तरह से फिर यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और वही सेम पहले जैसे रेड पी एच आई में होता है, ये CH2 हो जाएगा और ये H2O बन जाएगा, ठीक है, तो बाई मतलब प्रोडक्ट्स में लिखें तो ये तो CH2 हो ही गया, ठीक है, और बाई प्रोडक्ट कौन है, वाटर, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही मेन चेंज हमने यहाँ पे लिख रखा है, रिडक्शन टू एल्केन वालों में सब में मेन चेंज यही है, CO से CH2, ठीक है, बस केवल क्या चेंज होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज हो जाएंगे, आ गया। तो ये देखा अपन ने, तो ये इसकी मेन रिएक्शन हो जाती है, ये तो इसकी मेन बेसिक इक्वेशन जिसको हम बोल सकते हैं वो तो ये होगी, बेसिक इक्वेशन तो ये होगी, ठीक है, बेसिक इक्वेशन तो ये हो ही गई है। अब देखना हमको क्या, इसके एग्जांपल, एग्जांपल देखो सेम वैसे जैसे रेड के एचआई में किए वैसे एग्जांपल यहां बनने वाले। लाओ देखो एग्जांपल, फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल है ना, अब मैं फर्स्ट एग्जांपल CH3CHO का ले लेता हूं, एक एल्डिहाइड का लगा लेते हैं एग्जांपल, एक कीटोन का लगा लेते हैं, ठीक है, तो ये लो CH3CHO, ये 4H, सेम वैसे ही सब कुछ जो अपन ने पहले भी किया था, जिंक अमलगम के साथ HCl कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, और वही दो दो करके आ जाएगी, 4H जो है वो दो दो करके 2H यहां पर और 2H यहां, और वही बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से है ना, ये वाटर बन जाएगा और ये बन जाएगा क्या, CH3CH3, यानी कि इथेन, क्या बन गई है, इथेन बन गई है, आ गया, ये इथेन बन गई है, और बाई प्रोडक्ट कौन, H2, आ गया समझ में, ठीक है, तो ये तो इथेनल से इथेन हो गया। सेकंड एग्जांपल अपन लगा लेते हैं किसका, ये तो इथेनल था है ना, एक एग्जांपल अपन कीटोन का लगा लेते हैं, ये लो वही प्रोपेनॉन का लगा लेते हैं, एसीटोन मतलब है ना, एसीटोन का,
CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3 एसीटोन, एसीटोन प्लस क्या 4H, वही 4H है, और फिर क्या जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl, है ना। क्लीमेंसन रिडक्शन के नाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, साइंटिस्ट के नेम से जो भी रिएक्शन होती है वो हमेशा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होती होती है, ठीक है। अब देखो वही 4H है, 2H यहां और 2H यहां हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वाटर यहां से निकल ही जाएगा, हो गया, आ गया। तो अब ये बन गए क्या प्रोपेन, CH3 CH2 CH3 प्लस H2, हो गया प्रोपेन। सेम वैसे जैसे रेड पीएच ये सब किया था वही आ गया सामने। तो ये हो गया सेकंड बाय जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl क्लीमेंसन रिएक्शन, ठीक है। क्लीमेंसन रिएक्शन उन कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए किया जाता है या उन कार्बोनिल कंपाउंड्स का किया जाता है जो एल्कली से सेंसिटिव होते हैं, जो एल्कली सेंसिटिव है यानी बेस से जो सेंसिटिव है, जो बेस के साथ रिएक्शन कर लेंगे, है ना। तो जो बेस के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो उनके लिए क्या करते हैं एसिड यूज करते हैं, उनके रिएक्शन के लिए क्या करेंगे एसिड यूज करेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जो एसिड को लेकर सेंसिटिव है उनके लिए हम बेस यूज करेंगे, है ना। तो उन कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है जो क्या बेस सेंसिटिव होते हैं। अभी तो खैर मैंने जनरल वे में बताया, अभी ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं कि कौन बेस सेंसिटिव है कौन एसिड सेंसिटिव है, बट फिर भी अगर बोले तो क्लीमेंसन रिडक्शन उन कार्बोनिल कंपाउंड्स का करवाया जाता है जो क्या बेस यानी कि एल्कलीस को लेकर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। आगे अब अभी हमारे 12th सिलेबस में इतना नहीं है कि कौन से हम ये बताएं कौन से बेस सेंसिटिव है कौन से एसिड सेंसिटिव है, उनको जाने दो। बस केवल बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि बेस सेंसिटिव वालों के लिए क्लीमेंसन रिडक्शन यूज करते हैं, और जो एसिड सेंसिटिव है उनमें ये ना यूज करके इसी का एक दूसरा फॉर्म है, मतलब एक दूसरी रिएक्शन है वो हम देखते हैं भी वो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड, और थर्ड वही आ रहा है थर्ड, है ना। तो हो गया ये, तो अब थर्ड देखते हैं, थर्ड रिडक्शन किससे करवाना है, थर्ड रिडक्शन है कौन सा, देखो थर्ड रिडक्शन है ना, साइंटिस्ट के नेम से रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैं सीधे नेम से लिख रहा हूं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। क्या है रिडक्शन, साइंटिस्ट का नेम है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में ये भी कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। अब देखो क्या होता है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में, देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पहले करवाते हैं हाइड्रेजीन से, है ना। पहले किससे करवाएंगे, हाइड्रेजीन से करवाएंगे, वही जो हमने इससे पहले रिएक्शन की हुई थी, मतलब एग्जाम्पल ऑफ ANR में लास्ट एग्जाम्पल जो हमने किया था अमोनिया डेरिवेटिव वाला, ठीक है। तो ये हाइड्रेजीन कंपाउंड है, हाइड्रेजीन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, सेम वही जो पहले भी करवाई है हमने, और क्या होता था एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, एसिडिक मीडियम में। तो पहले तो क्या बनेगा, ये लो ये हमको पता ही है कि यहां से वॉटर एलिमिनेट हो जाता था, एडिशन एलिमिनेशन का एक टाइप था, वॉटर एलिमिनेट होता था और बनेगा क्या हाइड्रेजोन C11N NH2, ठीक है। हाइड्रेजीन से क्या बन जाता है हाइड्रेजोन बन गया, माइनस हो गया है क्या H2O हो गया। अब जो हाइड्रेजोन बने इनको फिर हीट करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH के साथ हीट करते हैं, ठीक है। तो अब इनको जब हीट करेंगे तब फिर मिलेगी हमको क्या एल्केन, ठीक है। तो मैं यहां ले लेता हूं हीट करने वाला इफेक्ट, किसके साथ हीट करना है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ KOH, इथाइलिन ग्लाइकोल है ना। तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस क्या KOH के साथ हीट करना है 180 से 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 180 से 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करना है, आप चाहो तो केल्विन में भी इसको याद रख सकते हो, 453 से 473 केल्विन पर इसको हीट करना है, ठीक है। ग्लाइकोल क्या होता है ये हमें पता है, नहीं भी पता है तो देख लो, ये लो साथ में CH2OH
और CH2OH, ये ग्लाइकोल होता है। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाई थी कीटोन के साथ, साइक्लिक कीटेल बनाए थे हमने, है ना। तो फोर्थ नंबर की जो एडिशन रिएक्शन थी एल्कोहल वाली एडिशन, उसी में ग्लाइकोल का भी लिया था अपने। तो ये ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल के साथ KOH और फिर हीट करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो हाइड्रेट जोन की जो N2 है, हाइड्रेट जोन की जो N2 है, ये N2 गैस, ये N2 गैस बन के यहां से चली जाएगी और फिर ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एल्केन बन जाएगा। तो इस तरह से ये वोल्केशनल रिडक्शन हो जाता है। पहले क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है, हाइड्रोजोन बनेगा, हाइड्रोजोन को हीट करना है इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH के साथ 180 से 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है और एल्केन बनेगी, N2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और ये रिएक्शन यूज करते हैं उन कार्बन कंपाउंड्स के लिए जो कौन से, जो एसिड सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि एसिड सेंसिटिव है तो एसिड से तो वो रिएक्शन कर लेंगे, है ना, और बेस से रिएक्शन नहीं करेंगे। जो बेस सेंसिटिव थे उनके लिए क्या क्लीमेंसन है, बेस सेंसिटिव के लिए क्लीमेंसन होता है, एसिड सेंसिटिव के लिए वोल्फ्केशनर होता है। ठीक है, बस हमको इतना ही ध्यान रखना है। अब हमको इसके आगे और इसके डीप में नहीं जाना है कि कौन से एसिड सेंसिटिव कौन से बेस सेंसिटिव, उनका भी जाने दो, है ना। तो ये इस तरह से क्या होती है, एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन रिएक्शन पूरी होती है। रिडक्शन रिएक्शन में हमने देखा दो तरह के रिडक्शन देखे हमने, रिडक्शन टू एल्कोहल, है ना, और सेकेंड देखा रिडक्शन टू एल्केन। रिडक्शन टू एल्केन में फिर आए तीन, तीन आए कौन कौन से, रेड पीएचआई के साथ, है ना, रेड पीएचआई के साथ रिडक्शन। सेकंड आया जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि क्लीमेंसन रिडक्शन। थर्ड आया वोल्केशनल रिडक्शन, है ना, फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, फिर हाइड्रोजन बनेगा इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ KOH, इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH के साथ हीट करने से फिर एल्केन बन जाएंगे। तो इस तरह से रिडक्शन रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है।